एक मुझे बच्चा मिला था जिसने प्रिडिक्ट किया था कि 90% चांसेस हैं कि इंग्लैंड विन करेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। तो आज संडे है और मैं अपने दोस्त को लेके आज जा रहा हूँ शॉपिंग करने। और शॉपिंग करने कहाँ जा रहे हैं ये आपको चल के बताते हैं। और अभी अपने नाश्ता भी करना है और अभी उठाऊँ, नहा के फ्रेश होके अभी कपड़े शपड़े चेंज किए हैं, ये आप देख सकते हैं। मैंने आज अपर पहना हुआ है और सर्दी लग रही थी तो अभी धूप भी माशाल्लाह सही निकल आई है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी मैं छत पर खड़ा हूँ और अभी चलते हैं, लेकिन थोड़ा नाश्ता करके आते हैं। तो माशाल्लाह धूप काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी मज़ा आ रहा है धूप में खड़े होके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं छत पे खड़ा हूँ और इस वक्त आप मेरा ये देख सकते हैं छत पे, माशाल्लाह कैसा साफ़ सुथरा मौसम है। और ये आप देख सकते हैं सारा व्यू, लाहौर का व्यू ऊपर से आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल भी है तो आज मैच भी देखेंगे इंशाल्लाह, देखते हैं कौन जीतेगा। तो दुआ है कि पाकिस्तान ट्रॉफी लेके आए वापस, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। और ये अब दोबारा व्यू चेक कर सकते हैं, अब ये हमारे मोहल्ले का व्यू है। तो इंशाल्लाह किसी दिन आपको अपने जो घर का टूर है वो भी करवाएंगे। A few moments later. बड़ा बड़ा लव यू ज्ञाना। तो यार बड़ा अफसोस हुआ, पाकिस्तान मैच हार गया है। अल्लाह खैर करे, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट मैच से इंशाल्लाह, नेक्स्ट वर्ल्ड कप से हर दफ़ा यही कहते हैं तो इस्तवा भी कह देते हैं कि चलो नेक्स्ट मैच इंशाल्लाह। और तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है ऑब्वियसली। तो अभी कुछ शॉपिंग करने निकाल, एक इवेंट है वहाँ पर जाना है और वो ज़बरदस्ती वाला इवेंट है, उस पर जाना भी लाजमी है क्योंकि उस पर वहाँ खाना अच्छा मिल रहा है और कुछ शुगर वगैरह लगा लेंगे। तो कल चलेंगे वहाँ पे भी और उसके लिए मेरे पास कुछ कपड़े वगैरह नहीं थे तो अभी लेने आए कपड़े। और अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे शॉपिंग करने और मेरे पास कुछ पुरानी पेंट्स भी पड़ी हुई थी जो खुली हैं मुझे और उनकी अल्टरेशन भी करवानी है। और ये मैं साथ ही लेके आया हूँ, ये 5-6 पेंट्स हैं और इनकी अल्टरेशन करवाएंगे, पहले ये देते हैं। तो यार ये देख सकते हैं काफ़ी रश लगा हुआ है, ठीक है, और लोग आ रहे हैं सर्दी की शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप सारा लगा हुआ है, सर्दियों का माल लगा हुआ है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ट्राउज़र शर्ट्स इस तरह की जो मोटी होते हैं ना ट्राउज़र वगैरह, वो यहाँ पे लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह काफ़ी रश है इस वक्त और हम दर्जी ढूंढ रहे हैं ताकि ये पहले पकड़ा दें इसे, फिर चलते हैं। तो यार फाइनली दर्जी मिल चुका है, ये सामने दर्जी बैठा हुआ है और यहाँ इसको भी पैंट्स वगैरह देते हैं। 3 hours later. तो अभी घर पहुँचा और ये आप देख सकते हैं हालत काफ़ी खराब हुई है, बाहर सारे उड़े हुए हैं और 7 दिन बाहर गुजार दिया है, घर कोई भी नहीं था तो घर आके क्या करना था, तो इसलिए फिर मैं अपने दोस्त के पास ही रुका था आधी रात से और खाना भी वाइट से खाया। तो अभी थोड़ी सी भूख भी महसूस हो रही थी तो मैं एक चीज़ लेके आया हूँ, तो वो मैं अभी फ्रेश होके फिर आपको दिखाता हूँ। अरे बहुत मनुष्य लग रहा हूँ, तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मैजिक खाने के लिए लेके आया हूँ वो ये है, ये आप देख सकते हैं ये है संगाड़े, ये संगाड़े मैं लेके आया हूँ और अभी इनको बॉईल करते हैं, देखते हैं गैस आ रही है कि नहीं, अगर गैस आ रही है तो इसको बॉईल करेंगे। तो खैर अभी गैस ही नहीं आ रही, गैस आती तो फिर इंशाल्लाह इसको बॉईल करेंगे तो फिर खाएंगे इनको। अगर किसी को इनका पता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताए कि क्या चीज़ होती है, इसको क्या बोलते हैं आप, आपकी ज़ुबान में इसे क्या बोलते हैं, हम इसे संगाड़ा बोलते हैं। अच्छा कपड़े वगैरह चेंज कर लिए सारे और अभी मैं फ़्रेश होके, ये आप देख सकते हैं सर्दी थी तो मैंने ऊपर चादर ले ली है और इधर सुकून से बैठ रही हूँ। ये बैकग्राउंड ज़रा इग्नोर कीजिएगा, ये इस साइड पे भी कमरा है और इस साइड पे भी एक कमरा है, दोनों को मैंने लॉक कर दिया है और ये सोफ़े पे बैठ के अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि मैं शॉपिंग करने तो गया था
सुबह मैंने आपको बताया था कि मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, तो मैं मार्केट भी गया था, आपने वीडियो भी देखी है, वहाँ पे मैंने पेंट शर्ट पसंद भी कर ली थी और मैंने ट्राई करके चेक की तो वो बिल्कुल पूरी थी। तो मैंने हसीब भाई से पूछा कि उनको कैसी लगी है, तो उनको भी काफ़ी पसंद आई थी। तो खैर 15-20 मिनट लगा के हमने ना फाइनल कर लिया कि हम ये ले रहे हैं। अब जब मैंने पूछा कि प्राइस, वो कहता है कि 3200 की। मैं कहा यार भाई क्या हो गया, खैरियत है आपको? 3200 की एक शर्ट और एक पैंट। तो मैंने कहा यार दैट्स नॉट फेयर, ये तो ठीक नहीं है। तो मेरे जहन में अचानक एक वो बात आ गई जो मैंने आजकल शुरू की हुई है। अभी पिछले दिनों मैंने एक चीज़ बाय की है, उसका मुझे ख्याल आ गया। मैंने शाह साहब से कहा कि मैं इनको 2100 कहूँगा और 3 दफ़ा कहूँगा कि मुझे दे दें। अगर इन्होंने मुझे 2100 में फाइनल कर दिया कि आप ले लो, तो मैं ले लूँगा, अदरवाइज़ मैं भाई नहीं ले रहा। तो खैर मैंने उसको 3 दफ़ा बोला और उसने कहा भाई मेरी इतनी परचेज भी नहीं है। मैंने चलो ठीक है भाई ना से। तो बताने का मकसद ये था कि जो चीज़ मैंने बाई की हुई है ना, इसका ख्याल जहन में आते ही मैंने वो शॉपिंग कैंसिल कर दी थी। वो चीज़ मैं दिखाने लगा हूँ आपको, दिखाऊँ आपको। ये है जी चीज़, वो वाली जिसका ख्याल जहन में आया और मैंने जो अपनी शॉपिंग थी उसको कैंसिल कर दिया। और जो पैसे थे, मैंने पैसे अकाउंट से निकलवाए थे, अम्मी के अकाउंट से निकलवाए थे, वो समझ रहे हैं आप, समझ रहे हो, वो अभी मेरे पास ही हैं। तो निकलवा तो लिए, लग जाने हैं वैसे भी। तो अभी हम काम करेंगे, वो पैसे इसमें डाल देंगे और कुछ प्लान्स हैं, इंशाल्लाह दुआ करिएगा मुकम्मल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको सरप्राइज़ देंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं काम ये करता हूँ कि जो पैसे थे वो मैं भाई इसमें डाल देता हूँ ताकि वो सेव हो सकें। अगर अम्मी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो माजरत, मैंने पैसे निकलवा के इसमें डाल दिए हैं। तो अभी मैं पैसे इसके अंदर डालता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये हमारे पैसे इधर पड़े हुए हैं, ये मेरे पास पड़े हुए सारे। इसमें तकरीबन कोई कितने बचे हुए हैं, 2000 ये और 100 अलग है और इसके बाद 500 ये है। तो ऐसा मैं करता हूँ कि 2000 मैंने निकलवाए थे कि मैं शॉपिंग करूँगा, वो 2000 मैं अभी अपने प्यारे से गले में डाल देता हूँ। ये देखिए ज़रा, ये 2000 इसको मैं ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, ऐसे बना के डालेंगे तो ज़्यादा बरकत डलेगी, ठीक है ना। तो ये जी, ये आप देख सकते हैं, ये गया इसमें 1000 का नोट और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अम्मी जी ये दूसरा नोट। शाबाश बेटा। तो लो जी, ये दूसरा नोट भी इसके अंदर चला गया। वाओ। ओके, और इसकी वजह से, इसका ख्याल जहन में आते ही मैंने अपनी शॉपिंग कैंसिल कर दी। शाह साहब ने कहा भाई क्या हो गया, अचानक ही क्या हो गया, रादा चेंज कर लिया। मैं कह यार बस शॉपिंग करने तो आया था, लेकिन वो कुछ ख्यालात जहन में आ गए तो जिसकी वजह से मुझे ये काम स्टॉप करना पड़ रहा। तो माजरत, अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो फिर हम वहाँ से वापस आ गए और आके खाना खाना खाया और खाना खा के फिर हम बैठे रहे काफ़ी देर, चाय शाय पिए। तो उसके बाद मैं घर आ गया हूँ और वो उनको मैंने हॉस्टल छोड़ दिया था तो हॉस्टल चले गए। तो बस बताने का मकसद यही था कि सेव मनी सेव लाइफ। ये देखें माशाल्लाह, बढ़ दीजिएगा, काफ़ी बड़ा लिया और प्लान्स काफ़ी बड़े हैं, तो दुआ करिएगा इंशाल्लाह। और ये मेरे कुछ कार्ड वगैरह हैं, ये आप देख लें, ये इसको इधर रखते हैं। और इधर भी एक मेरे पास ये भी कार्ड है, इधर रख देते हैं। और ये मेरे पास 75 रुपये का नोट है, ये आप देख सकते हैं, 75 रुपये का नोट है। और ये एक नोट है मेरे पास, अगर मेरे कोई सब्सक्राइबर्स जो इंडिया से हैं तो वो ये देख सकते हैं। मेरे पास आपकी करेंसी मौजूद है, गांधी जी की तस्वीर लगी हुई है और ये 100 रुपये का नोट है,
ये भी मेरे पास है। ये भी एक इंडियन बंदा था, जब भी पिछले दिन आया हुआ था तो उसने मुझे दिया था। तो खैर ये भी मेरे पास है, तो अभी इनको भी हम साइड पर रखते हैं। और बस छोटी सी ये बात करनी थी। तो खैर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टूटा फूटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें, और साथ बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।